सो हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल की मदद से एक प्रोफेशनल गेमिंग मॉन्टेज थंबनेल बनाओगे। भाई आज का इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% एक प्रोफेशनल मॉन्टेज गेमिंग थंबनेल बनाना सीख जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस आप वीडियो को स्किप मत करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि आपको इसी प्रकार से और भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको एक प्रोफेशनल मॉन्टेज थंबनेल बनाने के लिए ज़रूरत होगी पिक्सेल लैब एप्लीकेशन की, तो इसको ओपन कर लीजिए और अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे आपको रोटेट कर लेना है। कॉर्नर पर देखिएगा 3 डॉट है, उस पर क्लिक करिए ऊपर कॉर्नर पर। एंड यहाँ पे देखिए इमेज साइज़ जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिए इमेज साइज वाले ऑप्शन पर, और कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे देखिए यूट्यूब जो थंबनेल लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके इसका यूट्यूब थंबनेल का साइज अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। न्यू टेक्स्ट आपको लिखा दिखेगा, इस पर डबल टैप करना है न्यू टेक्स्ट पे, और आपको यहाँ पर जो भी लिखना चाहें आप अपने मॉन्टेज थंबनेल पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हंटर। तो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हंटर लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे ए बना हुआ है, इस पर रेड एरो जहाँ पर आ रहा है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको फॉन्ट का, ये रहा फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, माई फॉन्ट्स में जाइए और गौतम अल्ट्रा फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं जो भी फॉन्ट्स PNG पिक्चर वगैरह यूज़ करूँगा पूरा पैक बना के आपको लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे आप इसको कुछ इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पर जो हंटर लिखा हुआ है बड़ा कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। इसको आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेना है इतने ही साइज़ पे बड़ा करके, और यहाँ पे आपको जाना है शैडो वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे नीचे आपको इसी लाइन में शैडो का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा देखिए शैडो जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिए, शैडो वाला ऑप्शन में क्लिक करके इनेबल कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ब्लर रेडियस है इसको 10 है इसको 0 कर देना है। तो यहाँ पर ये लाइन पीछे कर दीजिए, 0 हो गई। अब यहाँ पर जो ऑफसेट एक्स है और ऑफसेट वाई है, तो पहले हम ऑफसेट एक्स को 19 करेंगे, इसकी जो लेंथ है ऑफसेट एक्स 19 देखिए मैंने कर दिया है, और ऑफसेट वाई को भी आप 19 या फिर 20 कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको भी 19 कर दिया है। दोनों चीज़ें ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई 19 करके आपको ओके कर देना है। एंड अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए इसको फॉन्ट को, और कलर वाले ऑप्शन में जाकर इसका कोई सा भी आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं ग्रेडिएंट कलर दूंगा, तो ग्रेडिएंट कलर मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का ग्रेडिएंट कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर एक छोटा सा काम रह गया है, प्लस का आइकन ऊपर दिखेगा उस पर क्लिक करिए, गैलरी में जाइए। गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर जो भी मैं PNG यूज़ करूँगा मैं पहले ही बोल चुका हूँ सबका लिंक दे दूँगा, पूरा पैक मिल जाएगा डाउनलोड कर लेना। इस PNG को यहाँ पर आप ले आइए, और यहाँ पर इस PNG को जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में आना है रिलेटिव साइज़, ये देखिए डबल एरो जो यहाँ पे लिखा डबल एरो आ रहा है इस पर क्लिक करिए जहाँ पर रेड एरो है। एंड इसके बाद इसका साइज़ है 100% कर लेना है ताकि ये बिल्कुल फिट हो जाए। अब आपको इसको क्या कहते हैं ना बैक कर देना, बैक करने के लिए ऊपर देखिए जहाँ पर रेड एरो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे आप, देखिए रेड एरो जहाँ पर आ रहा है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ से अगर आप होल्ड करके नीचे करेंगे तो ये नीचे मतलब बैक हो जाएगा सेंड टू बैक, और इसी हिसाब से आप अगर ऊपर करेंगे तो सेंड मतलब सेंड टू फ्रंट सेंड टू बैक जो आप करना चाहें इसको आप जैसे मैं कर रहा हूँ इसको आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको बैक कर दिया है, तो ये अब हमारा हंटर ऊपर आ चुका है। अब आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, ऊपर देखिए प्लस का जो आइकन है मैंने पहले ही बताया था इस पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है, और यहाँ पर आपको एक PNG मैं यूज़ कर रहा हूँ ये रहा, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा PNG, तो इस तरीके से PNG को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर कुछ फिट कर देना है जैसे मैं फिट करूँगा। तो ध्यान से देखते रहना वीडियो, अगर समझ में आया तो एक दो बार बैक करके भी देख लेना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे PNG कुछ इस हिसाब से साइज़ फिट करके यहाँ पर इसको फिट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको स्ट्रोक दे देना है जो भी आपका ये PNG है, तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से स्ट्रोक दे दिया है। स्ट्रोक देने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जाना है फिर से देखिए प्लस के आइकन पर ऊपर, और यहाँ पर आपको मैं अभी दिखाता हूँ गैलरी में जाइए, तो मैं गैलरी में एक चीज़ यूज़ करूँगा अभी आपको दिखाता हूँ। गैलरी में जाकर आपको एक यहाँ पर PNG यूज़ करना है कट वाला, तो यहाँ पर ये रहा PNG, इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है देखिए जैसे मैंने लगाया है। तो यहाँ पर लगाने के बाद आपको रिलेटिव साइज़ पे आप जाओगे वही वाले ऑप्शन पे, तो इसको अगर फिट कर दोगे तो पूरा ये देखिए इस तरीके से फ़िट हो जाएगा, कट लग जाएगा तो कुछ देखने में अच्छा लगेगा। ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको फिर से गैलरी में जाने के बाद एक और इसी डुप्लीकेट PNG ये ले लेना है कट वाला, और नीचे भी आपको कुछ फिट कर देना है, ऊपर जैसे आपने लगाया वैसे ही आपको इस नीचे भी लगा देना। तो रोटेट
वगैरह कर लेना तो नीचे आ जाएगी। जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने रोटेट कर लिया है, नीचे आ चुका है कट ये। तो अब आपको यहाँ पर ये कट लाकर फिट कर देना है, तो कुछ देखने में और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, न्यू फॉन्ट में जाना है, ठीक है। तो ये देखो मैं यहाँ पर इसको एक बार लॉक कर दीजिए, तो लॉक करने से ये होगा ये बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल इसमें मूवमेंट नहीं, तो मैंने लॉक कर दिया। अब हम जाएंगे न्यू फॉन्ट में। तो न्यू फॉन्ट में जाने के बाद आपको एक टेक्स्ट लेना है और यहाँ पर लिखना है, यानी कि न्यू टेक्स्ट में जाने के बाद आपको गेमिंग लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं गेमिंग लिख ले रहा हूँ, आप कुछ और चाहो तो लिख सकते हो। गेमिंग लिखने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है और इसका कोई सा भी कलर जो हमने फॉन्ट लिया था गौतम अल्ट्रा वही वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है, और कलर आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मॉय फॉन्ट में मैं वही जा रहा हूँ गौतम अल्ट्रा पे, और गेमिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यानी जो गेमिंग है इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर ये रहा इस तरीके से। आप अगर कैपिटल लेटर में करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगे, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर में किया, आप कैपिटल लेटर में करना। और कलर इसका कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं ये कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है और कुछ साइज़ देख लेना है, छोटा बड़ा तो नहीं है, तो इतना साइज़ ठीक है। अब हमारा ये गेमिंग ठीक लग रहा है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस थ्री डॉट पे ऊपर क्लिक करना है, कॉर्नर पे देखिए जो थ्री डॉट है उस पर क्लिक करिए। एक बार हम इसको जो हंटर लिखा हुआ है इसको एक बार हम हंटर पे सिलेक्ट करके इसको स्टाइल जो है इसको थोड़ा इटैलिक कर ले रहे हैं, तो स्टाइल में जाके फॉन्ट वाले ऑप्शन में देखिए ये रहा इटैलिक कर लेता हूँ, तो जो देखने में थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड अब इसके बाद आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, तो एक्सपोर्ट आपको अल्ट्रा में करना है, तो कस्टम में जाके यहाँ पर अल्ट्रा वाले ऑप्शन में इसको सेव टू गैलरी में कर लेना है। तो अब देखिएगा हमारा जो ये जो थंबनेल है बहुत ही बिंदास लग रहा है, बहुत ही गजब का लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, ऐसी वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना।